सुशांत सिंह राजपूत की मौत से टूट गई अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे के अलावा पवित्र रिश्ता की पूरी टीम को लगा बड़ा झटका। बॉलीवुड स्टार और टीवी इंडस्ट्री के चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत की खबर से हर कोई हैरान है। सबको यही लग रहा है कि ये एक सपना है और सुशांत को कुछ नहीं हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत ने एकता कपूर के टीवी शो पवित्र रिश्ता से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। शो में मानव का किरदार निभाकर सुशांत घर घर मशहूर हो गए थे। अपने मानव को खो देने के गम में पवित्र रिश्ता की पूरी टीम का बुरा हाल है और कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उनका मानव चला गया है। पवित्र रिश्ता में सुशांत के अलावा अंकिता लोखंडे, पराग त्यागी, ऊषा नाडकर्णी, आशा नेगी, ऋत्विक धनजानी, स्वाति आनंद और शिवानी तोमर के अलावा कई और कलाकार थे। शो में विनोद का किरदार निभाने वाले पराग त्यागी का कहना है कि पूरी टीम का रो रो कर बुरा हाल है और हर कोई सदमे में है और एकदम बिखरा हुआ महसूस कर रहा है। ई टाइम्स टीवी से बातचीत में पराग त्यागी ने कहा, आई का तो रो रो कर बुरा हाल है। स्वाति आनंद और बाकी सब सुशांत की खुदकुशी की खबर के बाद से सदमे में है और इसी को लेकर बात कर रहे हैं। सभी पूछ रहे हैं कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी रही। मैंने अंकिता से भी बात की और वह भी बिखर सी गई हैं। उन्हें तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, बोलने को कुछ है ही नहीं किसी के पास। सब कुछ अच्छा था, छिछोरे हिट थी और सुशांत की अगली फिल्म दिल बेचारा आने वाली थी, तो फिर सुशांत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। मैं कल ही दिल बेचारा का टीजर देख रहा था, कितने अच्छे लग रहे थे सुशांत इस टीजर में। आपको बता दें कि पवित्र रिश्ता में काम करने के दौरान ही सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे को प्यार हो गया था। दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। बताया जाता है कि उनकी शादी भी होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। वैसे आपको बता दें कि सुशांत को उनके करीबी ड्रीमर भी कहा करते थे क्योंकि उनके सपने कुछ अलग ही थे। आम एक्टर्स की तरह उनकी ख्वाहिश सबसे कामयाब फिल्म का हीरो बनने तक सीमित नहीं थी, वे जिंदगी में बहुत कुछ सीखना चाहते थे। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में भी वे कंप्यूटर गेम्स की कोडिंग सीख रहे थे। सुशांत न केवल स्क्रीन पर हर बार चुनौतीपूर्ण किरदार चुनते रहे बल्कि निजी जिंदगी में भी वे खुद को चैलेंज करना चाहते थे। सुशांत सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच काफी पॉपुलर थे। खास बात यह है कि ऐसा वे अपनी फिल्मों के बजाय निजी जिंदगी की सोच, ख्यालों और काम की वजह से थे। वे अपने फैंस को हमेशा जवाब दिया करते थे, साथ ही तमाम जरूरतमंदों लोगों की भी बढ़ चढ़ कर मदद किया करते थे। केरल में बाढ़ आने पर तुरंत 1 करोड़ की मदद करना हो या फिर दृष्टिबाधित बच्चों के स्कूल जाकर उन्हें खुशी बांटना, सुशांत हमेशा आगे रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।